देश में हजारों लाखों लोग प्रति साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, प्रति साल वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, स्नातक हो रहे हैं, लेकिन न कोई टारगेट है उनके पास और न ही कॉन्सेंट्रेशन है। जबकि ग्रेजुएशन के इन्हीं 3 वर्षों में आने वाले स्वर्णिम भविष्य के बीज बोए जा सकते थे। मुझसे एक छात्र का प्रश्न था, गुरुजी मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, हिस्ट्री सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन किसी भी लेक्चर में मेरा मन नहीं लगता, कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि किस एग्जाम की तैयारी करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे देश में ग्रेजुएशन कर रहे हजारों लाखों छात्र छात्राओं की समस्या ये है कि वो ग्रेजुएशन को पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो ढो रहे होते हैं, वो उस पढ़ाई को ढो रहे होते हैं। वो सिर्फ इसलिए ग्रेजुएशन कर लेते हैं क्योंकि वे इसे एक जिम्मेदारी समझते हैं कि शिक्षित होना एक जिम्मेदारी है, ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो शिक्षित कहलाऊंगा, इसलिए कॉलेज का रुख कर लेते हैं। पहले ग्रेजुएशन के 3 साल पूरे तो हो जाएं, उसके बाद हम तय कर लेंगे कि लाइफ में क्या करना है। 3 साल ऐसे ही बिता देते हैं, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस ग्रेजुएशन करना है, इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ग्रेजुएशन से पास आउट हो जाते हैं। ऐसे छात्रों के विशेष गुणधर्म होते हैं, हम देखते ही उन्हें पहचान सकते हैं, समझ जाते हैं कि दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है, कोई टारगेट नहीं है। जैसे एक कॉपी उठाई और एक कॉपी ऐसे लेकर उसे हिलाते हुए कॉलेज चले जाना। बुक्स नहीं होते हैं क्योंकि पता ही नहीं कि कौन से बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ते भी हैं तो मन नहीं लगता है। ऐसे छात्रों के पास जेब में पॉकेट में पेन टिकता नहीं है, खरीदते भी हैं तो पेन खो जाता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा कभी भी पेन हमारे पॉकेट में नहीं टिकेगा। परिणामस्वरूप जब जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हुआ तो हड़बड़ी में किसी छात्र या छात्रा से पेन मांगने लगते हैं। जब भी कोई लेक्चर होता है सामने तो लंबे समय तक उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, टीचर बोलता रहता है, अध्यापक को भी लगता है कि छात्र बहुत ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वो छात्र एक्चुअल में किसी और कहानी में खोया रहता है, पूरे लेक्चर के दौरान वो क्लासरूम में होता ही नहीं बल्कि कहीं और होता है, मन ही नहीं लगता है। मन नहीं लगने का क्या कारण है? मन लगने को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम साधना भी कहते हैं, लेकिन पढ़ाई में या जीवन में मन तभी लगेगा, साधना तभी होगी, कॉन्सेंट्रेशन तभी होगा जब आपके पास कोई टारगेट होगा, कोई लक्ष्य होगा, जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। जब पता ही नहीं कि हमें जाना ही कहाँ है तो कॉन्सेंट्रेशन किस बात के लिए? हम कोई भी काम नहीं कर सकते जिसका उद्देश्य ही हमें ना पता हो, और जब एक बार आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, आपका मन भी लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। ऐसे छात्रों को लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो केवल पढ़ाई को ढो रहे होते हैं। हमारे देश में ग्रेजुएशन करने वाले हजारों लाखों छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन को एक जिम्मेदारी समझकर उसे ढो रहे होते हैं, बिना किसी आनंद के और बिना किसी रस के। मैं बीए बीएससी या फिर बीकॉम करने वाले देश के हजारों लाखों छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीवन में एक लक्ष्य तय कर लीजिए, खुद से पूछिए कि आपको देश के लिए, समाज के लिए या फिर अपने या अपने परिवार की खुशी के लिए करना क्या है, जाना कहाँ चाहते हैं। और एक बार जब आप ठान लीजिए कि आपको करना क्या है तो साथ में आप ये भी ठान लीजिए कि जब तक आप अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप दुनिया की किसी भी दूसरी वस्तु में आनंद नहीं ढूंढेंगे। यही सफलता का रहस्य है और यहीं से आप नींव रख सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी से आप अपने अच्छे भविष्य की नींव रख सकते हैं। मन चंचल है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, ये हर रोज हर पल आपको सपनों की नई दुनिया दिखाएगा। आज कहेगा कि वहां चलो बहुत अच्छा लगेगा, कल कहेगा उनसे मिलो बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन बचपना नहीं रहा आपका, अब बच्चे नहीं रहे आप। आपके द्वारा एक गलत कदम जो उठाया गया है वो आपकी पूरी जिंदगी को अंधकारमय बना सकता है। भ्रमित होने की यहां गुंजाइश नहीं है, ये आपके करियर का अंतिम चरण है जिससे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि आप स्नातक कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। आप जानते हैं कि देश में आज से 100 साल पहले भी लगभग 30 करोड़ लोग रहते थे। क्या आप बता सकते हैं कि 100 साल पहले इस देश में जो 30 करोड़ लोग थे उनमें से कितनों के नाम जानते हैं आप? उंगलियों पर गिने चुने कुछ लोगों के ही नाम जानते होंगे आप, बाकी 30 करोड़ लोग किधर गुजर गए उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या आप भी इसी तरह से बिना किसी पहचान के या बिना किसी हैसियत के या इस दुनिया में बिना कुछ किए केवल इस जिंदगी को बोझ की तरह ढोना चाहते हैं? निश्चित रूप से आपका ऐसा सोचना भी आपके प्रति पाप होगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस जीवन को इसलिए दिया है ताकि आप इस जीवन को सजाएं, सवारें, खूबसूरत बनाएं।
सिविल सेवा यानी कि आईएएस और पीसीएस ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों के लिए एक सुनहरा विकल्प है। आप इसे अपना लक्ष्य क्यों नहीं बना सकते? आप अपना लक्ष्य तो तय करिए, दिशा हम आपको देंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। ग्रेजुएशन की 3 वर्षों की जो अवधि है, इसे आप यूं ही जाया मत जाने दीजिए। यही वास्तव में कंसंट्रेट करने की अवधि है, यही शुरुआत करने की अवधि है, शुरुआत यहीं से हो सकती है। हमारे इंस्टीट्यूट में 15 सितंबर से हम 15 सितंबर 2020 से आईएएस और पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक बैच 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। इस बैच में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिहाज से सामान्य अध्ययन के एक एक टॉपिक की तैयारी बहुत ही शिद्दत से कराई जा रही है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी निबंध प्रश्न पत्र, हिंदी प्रश्न पत्र और अंग्रेजी प्रश्न पत्र की तैयारी भी उतने ही मेहनत से कराई जा रही है। इस बैच में जितनी भी फैकल्टी हमने जोड़े हैं, सभी अध्यापक अपने अपने विषयों में काफी मजे हुए हैं। अगर आप 1 वर्ष के इस गुणवत्तापूर्ण कोर्स की फीस पर विचार करें तो वो भी ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें तो पूरे ग्रेजुएशन की अवधि में आपको सही दिशा मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा और पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, 9918450044। इस पर जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारी टीम आपको बैच के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। आप बैच के बारे में जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर प्रवेश सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, आपको बैच के बारे में जानकारी भी दी जाएगी, उसकी विशेषताएं भी बताई जाएगी और प्रवेश प्रक्रिया भी उसी में लिखी रहेगी।